हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और इतिहास महाजनपद काल का ये तीसरा पार्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं और जल्दी से इसको पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 21। उदयन किस महाजनपद का प्रसिद्ध राजा था? तो उदयन किस महाजनपद का प्रसिद्ध राजा था? तो ये था मगध का। उसके बाद आते हैं 22nd पे। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था श्रेष्ठीन। उसके बाद है 23rd, गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है धनी व्यक्ति। महाजनपद काल में गृहपति का अर्थ होता था धनी व्यक्ति। उसके बाद 24 पे, कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर बसा स्थित था? तो कौन सा ये था? ये था वत्स, वत्स महाजनपद। उसके बाद हम आते हैं 25 पे, शिशुनाग के समय में मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे जो राजधानी थी ये थी पाटलिपुत्र। उसके बाद हम आते हैं 26 पे, प्रसेनजीत किस महाजनपद का शासक था? तो अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए प्रसेनजीत किस महाजनपद का शासक था, तो ये थे कौशल महाजनपद के राजा थे प्रसेनजीत। उसके बाद आए 27 पे, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कृष्ट शिला रूपचित्र कहाँ पाया गया? तो ये इनका जो शिला है रूपचित्र कहाँ पे पाया गया है? ये पाया गया था कनगनहल्ली में, कनगनहल्ली में। उसके बाद हम आते हैं 28 पे, मगध महाजनपद में किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो कुणिक किसे कहा जाता था महाजनपद काल में? अजातशत्रु को। तो ये अगर ये भी रिलेट किया जाए तो महाजनपद में मगध के राजा कौन थे? तो ये थे अजातशत्रु। ये दो क्वेश्चन इसमें बन सकता है, एक तो कुनिक किसे कहा जाता है और दूसरा मगध जनपद के शासक कौन थे? तो ये थे अजातशत्रु। उसके बाद आते हैं 29 पे, बुंदेलखंड प्राचीन काल में किस महाजनपद में आता था? तो ये आता था चेदी महाजनपद में। उसके बाद आते हैं 30 पे, मगध साम्राज्य का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो कौन सा राजा था? तो ये थे घनानंद। तो दोस्त, अगर ये पूरा हो गया, दोस्त अगर आपको वीडियो काम का लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।